हेलो गाइस, व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले गाइस मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि गाइस ये मैंने जो अपनी जो व्लॉग वीडियो है गाइस वो मैंने 6 तारीख जब हनुमान जन्मोत्सव था तब, और ये वीडियो अपलोड हो रही है आज 15 तारीख है, 16 या 17 तारीख को गाइस ये व्लॉग वीडियो अपलोड हो जाएगी। बीच में कुछ गाइस पर्सनल इशूज थे भाई कि मैं इसलिए मैं व्लॉग एडिटिंग भी नहीं कर पाया, साथ ही मैंने 6 तारीख के बाद से मैंने अभी तक एक भी व्लॉग वीडियो नहीं बनाई है। सो सॉरी गाइस, माफ कर देना गाइस। ओके, आगे का व्लॉग गाइस आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई 8 बजे है भाई, अभी भी आंखों में नींद है क्योंकि कल रात को मैं 1-2 बजे सोया था और मेरे को पता ही नहीं चला कि रात के 1-2 कब बज गए। एक्चुअली मैं कल है ना मूवीज देख रहा था, तो मूवीज देखते देखते पता नहीं चला कि भाई कब 1-2 बज गए। फिर टाइम देखा कि भाई देखा कि 1-2 बजने को हो रही है भाई। और अभी फिलहाल जो मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि आज जो है हनुमान जन्मोत्सव है। सबसे पहले तो यार गाइस आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी का, बजरंग बली जी का भाई आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। तो भाई आज जो है हनुमान जन्मोत्सव है, तो आज जो है हमारे यहाँ रैली निकलने वाली है हनुमान जन्मोत्सव की, जिसपे भाई मैं भी जो है भाग लेने वाला हूँ रैली में। अभी रैली का जो टाइमिंग है वो मेरे हिसाब से 10 बजे का है, 10 बजे का मतलब 9 बजे का बोला है, लेकिन आई थिंक मुश्किल से 10 बजे निकलेगी क्योंकि 9 बजे सब लोग आएंगे इकट्ठा हो गए। जैसे भी होगा देखते हैं, फिलहाल अभी जो है रैली में चलते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं बचा मेरे पास, फटाफट से मैं रेडी हो जाता हूँ। हम सब लोग फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं, सो अभी फटाफट से जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। तो भाई साहब मैं तो रेडी हो चुका था, मैं यही कपड़े पहनने वाला था, लेकिन फिलहाल जो ऊपर जो है वो वाइट कलर का पहना, ना कि मतलब मैं नॉर्मल ड्रेस पहन के जाने वाला था जैसे कि मैं रोज पहनता हूँ वो, लेकिन सूत्रों से मिली जो खबर से हमें पता चला है कि भाई हमें ऊपर जो है वाइट पहनना है, ना कि रैली में जो है वाइट कलर की आउटफिट हमको पहननी है, मतलब ऊपर शर्ट हो या टी शर्ट हो। लेकिन मेरी जो वाइट कलर की जो टी शर्ट है वो भी मैंने धोने में डाल दी भाई, तो अभी मेरे पास वाइट कलर का देखना पड़ेगा कुछ है कि नहीं, अभी मेरे को पहनना तो पड़ेगा ही। सो लेट्स सी, वैसे भी मैं ऑलरेडी लेट भी हो चुका हूँ यार, वैसे भी 10 बजे निकलने वाली थी, ऑलरेडी निकल चुकी है, मेरे को बीच रास्ते से मेरे को रैली में घुसना पड़ेगा, बीच में से घुसना पड़ेगा रैली में, मैं लेट हो चुका हूँ, जो मुझे अभी भगना पड़ेगा वापस। एग्जाम के दिन भी हो गए, आज भी यही। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था बाजार में, मतलब क्या रैली में। फिलहाल तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और
अभी जो है थोड़ी देर सो जाता हूँ। अभी बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रही होगी, वो आवाज जो है इस चीज की आ रही है भाई, पीछे देख सकते हो कूलर है, इस चीज की भाई बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। फिलहाल बाहर जो है रैली में बहुत ज्यादा क्राउड था सच में, और गर्मियाँ जितनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। इसलिए जो है अभी मैं सो जाता हूँ, अभी बहुत मतलब थक गया हूँ मैं। 2-3 घंटे आराम से सो लूँगा, 2-3 घंटे सो के फिर आपसे मिलता हूँ। वेलकम बैक गाइस, अभी जस्ट नींद में से उठा हूँ भाई, क्या तगड़ी नींद आई है मेरे को। फिलहाल बाहर जो है सब लोग सो रहे हैं, कूलर चालू है बाहर, अभी सब लोग सो रहे हैं फिलहाल। और ये क्या है भाई, इमली खट्टी खट्टी। वैसे भी अभी तो मैं खा ही सकता हूँ इमली, एग्जाम के टाइम मम्मी मेरे को खाने नहीं देती थी। मम्मी कहती है कि इमली खाओगे तो सब पढ़ाई किया हुआ सब भूल जाओगे, लेकिन अभी तो खा सकता हूँ ना, अभी खाई को भाई, पढ़ाई वढ़ाई नो टेंशन, अभी कोई ऐसी ही खा लेते पहले तो। खट्टी बहुत है यार, खट्टी है सच में, बहुत खट्टी है। तो अभी मम्मी ने मेरे को एक काम दिया है, मम्मी ने जो है केल लाए, केल का अचार डालते हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मम्मी ने जो है केल लाए, तो उस केल के ऊपर जो छोटी छोटी सी जो होती है ना रकड़ी, मतलब क्या बोलते हैं डार्की या रकड़ी वगैरह जो कुछ बोलते हैं, उसको अलग करना है कैर से, और कैर को अलग करना है, और वो जो छोटी छोटी जो रकड़ी होती है ना उसके ऊपर उसको अलग कर देनी है। तो आज छुट्टी के बाद ये पहला काम मिला है, तो पहले ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे और हमारे पास काम आते जाएंगे, क्योंकि ये तो भाई अपनी परंपरा, क्योंकि ये तो अभी क्या शुरुआत है, क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम्स के बाद तो अभी और काम आने बाकी है। तो अपने पहले ड्यूटी पर लग जाते हैं, कैर का जो आचार है वो डालते हैं। तो भाई साहब ये देख सकते हो, ये है कैर, और कैर के ऊपर ये जो देख सकते हो, ये जो देख सकते हो ना छोटी छोटी सी रकड़े, इनको जो है अलग करनी है कैर से। फिलहाल मैंने थोड़ी बहुत कैर मैंने कर भी दी है, अभी मम्मी भी कर रही है, फिलहाल मैं भी करता हूँ, थोड़ी बहुत बाकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है, वो फटाफट सही कर लेते हैं। लेट्स डू इट। डिनर तो कंप्लीट हो चुका है अभी भाई साहब, आज पूरे दिन की मतलब इतनी थकान हो गई है भाई, क्या बताओ। अभी जो फिलहाल 10 बज चुके हैं, खाना वाना सब हो चुका है, पैर भाई पैर आज इतना दर्द कर रहे हैं भाई, पैर जो है ना ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर का ये वाला हिस्सा, ये वाला भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि भाई क्योंकि रैली है ना बहुत लंबी चली थी रैली। ये तो मैंने जो सुबह, मैं तो वैसे भी बीच में से घुसा था, तो एग्जैक्टली टाइमिंग मेरे को भी खुद को नहीं पता, लेकिन रैली जो है जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना वहाँ पे आई थिंक शायद 1 या 1:30 बजे जो है पहुँची है, और स्टार्ट आई थिंक 9:30 बजे हो गई होगी शायद, क्योंकि मैं 10 बजे तो गया तो रैली ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो मतलब सुबह के 9:30 बजे से लगा के दोपहर के डेढ़ बजे तक पैदल ही रैली थी, तो भाई सच में हालत ख़राब हो गई। खैर फिलहाल अभी जो है नींद भी बहुत भयंकर चढ़ी हुई है, एडिटिंग आज नहीं हो पाएगी, एडिटिंग अब देखता हूँ, एडिटिंग अभी कल ही हो पाएगी। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, होपफुली कि आपको मज़ा आएगा, मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, जल्दी मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर और गुड बाय।